हेलो एवरीवन, लेकर आई हूँ मैं एक ऐसा मसाला जिसे आप पहले से बनाकर स्टोर कर लें और जब भी आपको पूरी पराठा रोल या फिर कचौड़ी बनानी है तो इस मसाले को यूज़ करके कम समय में अपने डिश को बना सकते हैं कुछ खास। तो ले लिया यहाँ पे मैंने लगभग 50-60 ग्राम धनिया। ये धनिया देसी धनिया है, आप कोई भी धनिया यूज़ कर सकते हैं। एक तेज पत्ता, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। इन सभी इलायची को इस तरीके से तोड़ लें। 1 चम्मच होगा जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच काली मिर्च और ये 8-9 लगभग होंगे बटन लाल मिर्च। अब इन सभी मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। पैन को गरम कर लें और गरम हो जाने पे उसमें धनिया डाल दें और धनिया को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आंच में इसे रोस्ट कर लें। 1 से 1.5 मिनट के बाद कसूरी मेथी को छोड़ के बाकी सारे मसालों को हमें ऐड कर लेना है और 2 मिनट तक धीमी आंच में इसे भी रोस्ट कर लेना है। 2 मिनट के बाद एक अच्छी सी खुशबू मसालों की आने लगी है तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। हथेलियों की सहायता से रगड़ के इसमें डाल दें कसूरी मेथी और फिर इसे 1/2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। याद रखें, इस दौरान हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। तो ये लीजिए, मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। देखिए तेज पत्ता कितने अच्छे से टूट रहा है। तो अब क्या करना है, इस मसाले को ठंडा कर लेना है और ठंडा होने के बाद ही हम इसे एक ग्राइंडर में डाल के दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। तो इसे देख लीजिए, हमने इसका बहुत ही फाइन पाउडर नहीं तैयार किया है, ऐसा ही दरदरा पाउडर तैयार करना है। तैयार किए हुए मसाले को किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में आप स्टोर कर लें और 2-3 महीने तक ये आपका मसाला बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए एक आलू की स्टफिंग भी तैयार की है, तो देख लेते हैं उसकी रेसिपी को। तो 50 ml सरसों के तेल में मैंने डाल दिया 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज ब्राउन हो जाने पे डाल देंगे इसमें 1 बारीक कटा टमाटर। उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, अच्छे से भून लेंगे। और इसमें आलू उबले हुए हैं उसको मैंने मैश कर लिया अच्छे से, इसको ऐड कर दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला और ये है चाट मसाला थोड़ा सा। इन सभी को से भून लेंगे। तो इस स्टफिंग के साथ आप और भी स्टफिंग बना सकते हैं, जैसे पनीर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जिस किसी की भी आपको बनानी, इस मेथड से आप तैयार कर सकते हैं। और उसमें बाद में मैंने डाल दिया अपना मैजिक मसाला जो अभी तैयार किया है, हरी धनिया। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम तैयार कर लेते हैं पूरी और पराठे का आटा। तो इसमें 2 कटोरी मैंने डाल दिया गेहूं का आटा, थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसमें वही मैजिक मसाला फिर से डाल देंगे। पूरी कचौड़ी में इस मसाले को यूज़ करके हम अपने डिश को बहुत ही खास बना सकते हैं। आटे में डाल दिया मैंने थोड़ा सा देसी घी। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। डो तैयार हो जाने के बाद उसको रख दें 10 मिनट के रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट बाद देखिए हमारा मसाला डो तैयार है। तो अब इसे हमने मसाला पूरी तैयार कर ली, तैयार करके देखिए निकाल ले रहे हैं। ये अच्छे से हमारी पूरी फूल के तैयार हो गई। तो ये देखिए, हमने एक साइड बना लिया मसाला पराठा भी। तो इस तरीके से एक ही मसाले से हमने अपनी सारी डिशेस तैयार कर ली। इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में अच्छा बनाने के प्रेशर को कम करने वाला ये मसाला ज़रूर तैयार करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने एक्सपीरियंस को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।